हमीरपुर जिला में पहली बार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बीसी की कुर्सी पर विराजमान हुए डॉक्टर सिकंदर का हमीरपुर में अपने जिला में पहुंचने पर एससी एसटी ओबीसी जागरण मंच ने जोरदार स्वागत किया और हमीरपुर वन विभाग रेस्ट हाउस में कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस अवसर पर नवनियुक्त वीसी डॉक्टर सिकंदर ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्राथमिकता बताई तो रूसा को लेकर सुधार करने की बात भी कही। साथ ही छात्र संघों के चुनावों के लिए सभी से बातचीत करके जल्द फैसला लिया जाएगा। बीसी डॉक्टर सिकंदर ने कहा कि जिला से हर क्षेत्र में लोगों ने उच्च स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यह पहली बार है कि हिमाचल विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर हमीरपुर से किसी की ताजपोशी हुई है, जिसके लिए हमीरपुर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल का भी आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर सिकंदर ने छात्र संघ चुनावों की बहाली पर कहा कि जल्द ही विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपलों के अलावा विश्वविद्यालय के विभागीय अध्यक्षों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। सचमुच हमीरपुर जिला के लिए ऐतिहासिक बात है कि इस जिला में से बहुत से आईएएस आईपीएस मेडिकल में इंजीनियरिंग में बहुत से छात्र गए, लेकिन प्रथम बार हुआ कि इस जिला से कोई वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश जैसे उच्च शिक्षण संस्थान का बना है, इसलिए गौरव का विषय है और ये सब आप लोगों की मेहनत आशीर्वाद के कारण हुआ है और इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का और पूर्व में रहे यहाँ से मुख्यमंत्री माननीय प्रेम कुमार धूमल जी का, उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी प्रायोरिटी रहेगी विश्वविद्यालय में लेकर चलना और विश्वविद्यालय को बुलंदियों तक ले जाना। जी रूसा में अब 5 साल पहले जो आप बात कह रहे हैं, 5 साल पहले रूसा पे विवाद था, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है, काफ़ी स्ट्रीमलाइन सिस्टम हो गया है और इसमें फिर भी कोई कमी होगी तो बैठ के जो है इसको सुधारा जाएगा। चुनावों के लिए मैंने पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स हैं और यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन्स हैं डायरेक्टर्स हैं उनकी मैंने मीटिंग बुलाऊंगा और उनकी जो राय होगी उसके अनुसार जो हम विश्वविद्यालय निर्णय करेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहले भी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो रही है, प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय बहुत से पुरस्कार मिले हैं, भटनागर जैसे पुरस्कार मिले हैं, टॉप की रिसर्च वहाँ पर करवाते हैं प्रोफेसर और अभिभावक जो छात्र हैं बहुत ही होनहार हैं और भी क्वालिटी रिसर्च को बढ़ाने के लिए जो है जो अलग अलग जो विभाग हैं उनसे बात की जाएगी, सरकार के विभागों से बात की जाएगी और क्वालिटी रिसर्च को जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। धन्यवाद।